Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महागठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बाहर हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल पर गठबंधन धर्म निभाने का ना निभाने का आरोप लगाकर बाहर हुए हम प्रमुख जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन आगे भी किसके साथ जाएंगे इस पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में अहम फैक्टर बने मांझी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच जेडीयू के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, पप्पू यादव और यशवंत सिन्हा से उनके संपर्कों की भी खूब चर्चा हो रही है। महागठबंधन से अलग होने के बाद हमने जेडीयू के साथ अपने संबंधों को विस्तार देने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले इस बात की चर्चा थी कि हमका जेडीयू में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन पार्टी के अधिकारी सूत्र विलय से अभी इनकार कर रहे हैं। हमने जब महागठबंधन से अपने संबंध तोड़े थे तो उसी समय पार्टी ने साफ कर दिया था कि हम पूरी तरह से अस्तित्व में रहेगा और जदयू में उसका विलय नहीं होगा। अलबत्ता जदयू के साथ गठबंधन से वो इनकार भी कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। अंदरखाने में ये भी चर्चा है कि मांझी के जेडीयू में जाने के ऐलान के पहले कुछ राजनीतिक सूरमा उनसे संपर्क कर चुके हैं। ऐसे लोगों में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव और तीसरा मोर्चा के नेता नरेंद्र सिंह का नाम भी है। ओवैसी चाहते हैं कि मांझी उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ करें ताकि सीमांचल की अधिक से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। पप्पू यादव पहले भी मांझी से अलग होने और नए समीकरण बनाने की बात करते रहे हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और नरेंद्र सिंह जैसे नेताओं से मिलकर जिस तीसरे मोर्चे की शुरुआत की है उसके तरफ से भी मांझी को निमंत्रण दिया जा चुका है। हालांकि मांझी अब तक मौन है, वैसे चर्चा है कि तमाम अटकलों और चर्चाओं को विराम लगाते हुए मांझी जेडीयू के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे।